स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में हमारा हॉस्पिटल बेस्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये इसलिए है कि यहाँ जब हमारे यहाँ पेशेंट आता है तो हम उसको एकदम अर्ली स्टेज में डायग्नोज करते हैं। जब भी कोई मानसिक सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते हैं तो 6 महीने का इंतज़ार हम नहीं करते हैं। जितने जल्दी ट्रीटमेंट हम चालू करेंगे उतना जल्दी वो पेशेंट अच्छा हो सकता है और वो स्किज़ोफ्रेनिया के सीरियस लेवल तक जाएगा नहीं। एंटीसाइकोटिक्स हम जो वापरते हैं, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि दोनों हम वापरते हैं। दोनों मतलब क्या है कि एक है कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक और एक है न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स, तो हम दोनों का वापर करते हैं। क्या है कि जो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स है वो टाइम टेस्टेड है, ट्राइफ्लुपेरेजिन, हेलोपेरिडॉल, और वो वापर करते हैं तो डेफिनेटली डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस के ऊपर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, बहुत ही फायदा होता है। न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स जो है वो इतने काम के नहीं जब बहुत सारे डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस है। तो न्यूअर एंटीसाइकोटिक और ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स दोनों का मिक्सचर हम करके हम ट्रीटमेंट स्किज़ोफ्रेनिया का करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये पेशेंट जो स्किज़ोफ्रेनिया का है उसको हम क्या सिर्फ दवाई से ठीक कर सकते हैं या और भी कुछ चाहिए। तो हम उसको साइकोथेरेपी देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, दवाइयाँ कंटिन्यूस लेते हैं। दवाई यदि लेने को तैयार नहीं है, पेशेंट विरोध करता है, वायलेंट हो जाता है दवाई का नाम लिया तो फिर लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन जो है कि 1 महीने में 1 ही बार इंजेक्शन लेना पड़ता है, वो इंजेक्शन हम देते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया के ऐसे होते हैं कि जिनको आवाज़ आती है, मारो मारो, पिटो पिटो, तू कुछ काम का नहीं है, तू मर जा, ऐसे मतलब कुछ भयानक ऐसे आवाज़ आएंगे और उसको लगता है कि भाई अपन ने मरना अच्छा है, आवाज़ आ रही कि मर जा, और वो कुछ जाता है, मतलब वो सुसाइडल अटेम्प्ट किया रहता है, सुसाइडल थाट्स आते रहते हैं उसको। पेशेंट वायलेंट है, ट्रीटमेंट दवाई देके फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम उसको इलेक्ट्रिक कन्वर्सिव थेरेपी भी देते हैं, ECT। अच्छा, फिर कभी ऐसा होता है कि वो पेशेंट घर के लोगों को बहुत ही मतलब दुश्मन मानता है जैसा आपने, और फिर घर के लोग बोलते हैं कि हम इसके साथ में रहने को भी तैयार नहीं, ये हमको तो बिल्कुल देखता भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि वो हमको मार देगा, उसको बहुत नफरत है माँ बाप से, ऐसा भी होता है। फिर हम वो लोगों को हमारे रिहैब सेंटर में रखते हैं और रिहैब सेंटर में रख के उनको बिना रिलेटिव रखते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, दवाई देते हैं, पेशेंट को ठीक करते हैं, और बाद में पेरेंट्स को बोलते हैं ठीक है अभी ये हो गया है, लेके जाओ उसको, अच्छा हो गया है। और फिर यदि पेशेंट दवाई लेता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, कम से कम 1 साल तक दवाई खिलाओ, और दवाई नहीं लेता है तो इंजेक्टेबल दो, जो 1 महीने में 1 बार देना पड़ता है। इसका काउंसिलिंग हम करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी उनको देते हैं हम रिहैब सेंटर में, और ये सब करते हैं तो बहुत अच्छा रेट है ठीक होने का। लोग बोलते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा फायदा हो गया, क्योंकि बाकी लोग जो है वो जो दवाई का जिस तरह का इस्तेमाल करते रहते हैं, ऑफर करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा दवाई हम अलग तरीके से देते हैं, अलग कॉम्बिनेशन में देते हैं, और वो बहुत गुणकारी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट बाहर ठीक नहीं होते हैं वो हमारे यहाँ लोग लेके आते हैं, वो ठीक करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा हॉस्पिटल ये बेस्ट हॉस्पिटल है इंडिया में स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट देने के लिए। आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर दिए, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।